देखेंगे लास्ट लेक्चर में जो है अपन डिस्कस कर चुके थे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के बारे में। तो इन दिस लेक्चर अपन 1.3.3 द गैसेस स्टेट पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तो आपने कभी बैलून सेलर को देखा होगा, काफ़ी सारे बैलून्स बेचता है वो, है ना, और सिलेंडर से, एक सिलेंडर होता है गैस का, उससे वो हवा भरता है उसमें और जो है बैलून उड़ने लगते हैं। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर एंड आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो आप पूछिए उससे कि वो एक सिलेंडर से, एक गैस के सिलेंडर से कितने सारे बैलून्स वो फिल करता है और किस गैस का वो यूज करता है ना, तो उसको फिल करने के लिए, है ना, उसको बैलून में फिल करने के लिए। तो इसमें दिया नहीं है लेकिन जो है हीलियम गैस का जो है वो यूज करते हैं टू फिल द बैलून, क्योंकि जो है ये गैसेस जो होती हैं वो लाइट होती हैं, लाइटर देन द एयर, एयर के कंपैरिजन में थोड़ी लाइट होती हैं, इसीलिए वो उड़ने लगते हैं, है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का जो है वो यूज होता है बैलून फिल करने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज सोन इन फिगर 1.4। तो आप कीजिए ऐसा जैसा 1.4 में दिया गया है, फिगर 1.4 में ऐसा एक सिरिंज लेना है, पिस्टन है उसका, ये रबर कॉक लगा दिया है, ठीक है, और इस तरीके से आपको लेना है एक इंजेक्शन, फिर उसमें 100 ml जो है, टेक 100 ml का सिरिंज लेना है, तीन लेने हैं, और उसके नोजल्स को जो है क्लोज करना है ऐसे, ये जो नोजल है इसका लास्ट में, ये जो है इसके कॉर्क से, रबर कॉक से इसको क्लोज कर देना है। और आप देखेंगे रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज, तो सभी पिस्टन को जो है निकाल दीजिए, इस पिस्टन को निकाल दीजिए, कुछ देर के लिए निकाल दिया आपने, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो आप देखेंगे एक सिरिंज में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी सिरिंज में आपने पानी भर दिया और तीसरी सिरिंज में आपने क्या कर दिया, चॉक पाउडर्स में डाल दिया। तो इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। तो आपको करना है क्या, पिस्टन को अगेन उसमें लगाना है इंजेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आपने इसको पिस्टन को फिर से लगाया इसमें, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब लगाने के बाद आप इसको थोड़ा प्रेशराइज करें, प्रेशर करें, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। तो तीन सिरिंज आपने ले ली थी इस जैसी, है ना, दो और ले ली थी, इसमें क्या कर दिया आपने, वाटर भर दिया, इसमें कुछ नहीं भरा, इसको एम्प्टी रखा, इसमें चॉक पाउडर कर दिया। तो किस सिरिंज में आपको पिस्टन जो कंप्रेस करने में आसानी होगी, है ना, आप किसको ठीक से दबा पाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, तो किस केस में आपको आपने पिस्टन को जो है इजीली वो किया, पुश्ड किया, है ना। व्हाट डू यू इन्फर्म फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और आपने उस ऑब्जर्वेशन से क्या पाया, है ना, आपको क्या पता चला। तो आप देखेंगे वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो आपने ये देखा कि गैसेज जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं कंपेरिजन टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इन कंप्रेस्ड गैस इज कंप्रेस्ड गैस। तो आप देखेंगे अपने इन अवर होम यू यूज़ LPG सिलेंडर्स, तो उसमें भी जो है गैसियस फॉर्म में जो है वो भरा रहता है ना, गैस भरी रहती है, तो उसमें काफ़ी कंप्रेस करके वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भर देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आते हैं, है ना, हॉस्पिटल्स में, तो वो भी गैस ही होती है जिसको भर देते हैं वो कंप्रेस करके, दबा के। कंप्रेस नेचुरल गैस भी होती है, इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स में भी अपन CNG का यूज कर रहे हैं आजकल। ड्यू टू इज हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी हाई होती है कि इसको आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को कंप्रेस करके इसको कम छोटे से स्मॉल सिलेंडर में भी आप इसको रख पाएंगे, ठीक है। तो वी कम टू नो दैट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीच्स अवर नोस्ट्रिल्स। और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, जब आप उसको किचन में घुसते भी नहीं हो फिर भी आपको पता चल जाता है कि आपको सुगंध आ जाती है, स्मेल आ जाती है कि आप क्या बन रहा है, क्या पक रहा है घर में, है ना, किचन में। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो ये कैसे पहुंची आपकी, है ना, ना नोज तक। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फर्दर अबे। तो ये जो है अरोमा जो है, जब अपन खाने को गर्म करते हैं तो ये जो है इसका जो सुगंध है, फूड जो है,
एरोमा ऑफ फूड, तो वो पार्टिकल्स के साथ मिल जाती है, किसके, एयर के पार्टिकल्स के साथ, और ये फ्रीली मूव करते हैं एयर के पार्टिकल्स, तो ये आपके नाक तक पहुंच जाते हैं। और द स्मेल इज़ ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकंड्स, तो ये सेकंड में ही आपको पहुंच जाती है आपके कान नाक तक। और कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसियस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेज। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो स्मेल है हॉट कुक फूड की अपने पास जो है वो काफ़ी सेकंड में पहुंच जाती है। अब आप कंपेयर करें रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न कैसे होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, गैस 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 में कितना जो है डिफ्यूज़न होता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न कितना होता है, तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, तो स्पेसिस काफ़ी होता है किसमें, गैसियस स्टेट में आप देखेंगे ये गैस है, तो इसमें आप देखेंगे ये गैसीज स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेसेस हैं, ये देखो कितने ज़्यादा स्पेस हैं, और ये लिक्विड में कितनी कम स्पेसेस हैं। और फिर इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में जो है बहुत ही कम स्पेस रहता है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी जो है गैसियस का हाई होता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्पेस है, तो काफ़ी जो और भी पार्टिकल्स हैं इसमें जो है आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है गैसियस का, गैसियस स्टेट का। तो देखेंगे ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द गैसियस सो द प्रॉपर्टी ऑफ वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग, तो बहुत ही हाई डिफ्यूजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जैसे अभी अपन मैंने बताया, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड, और जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड में भागते हैं, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो आप देखेंगे इसमें गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी हाई स्पीड में मूव करते हैं, तो इसी के कारण जो है क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, और आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हाँ वॉल्स जो है होती हैं उनको भी हिट करते हैं कंटेनर की, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, और प्रेशर जो लगता है गैसेस के द्वारा इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो इसीलिए फोर्स जो है प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको फील होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इधर उधर मूव करते हैं, पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ए बी सी सो द मैग्नीफाइड सीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर, इसमें आप देख सकते हैं ये बताया गया है सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का, इसमें जो है इसमें कितने स्पेसेस हैं, इसमें कितने स्पेस है, इसमें कितना स्पेस है, और ये पार्टिकल्स दे रहे हैं, है ना, डेंसिटी भी वो दिखा रहा है, शो हो रहा है ना, तो ये देखो ये जो है इसमें ये बता रहा है, शो कर रहा है कि कैसे जो है ये जो है कैसे फ्रीली मूव करते हैं, और बहुत हाई प्रेशर जो है ये लगाते हैं हाई प्रेशर के साथ। तो देखेंगे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो अपन ने अभी पढ़ा जितना भी उसी के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप कर सकते हो। और इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट 1.4 अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।